BSTC 2023 मिशन एडमिशन के तहत राज्य के 372 DLED कॉलेजों की 25,000 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। जून के तीसरे सप्ताह से शुरू होंगे प्री DLED के ऑनलाइन आवेदन, 25 दिन का मिलेगा समय। नोडल एजेंसी तय होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्री DLED परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। जून के तीसरे सप्ताह तक प्री परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 25 दिन का समय दिया जाएगा। परीक्षा अगस्त के प्रथम सप्ताह में करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम DLED में प्रवेश के लिए आमतौर पर प्री परीक्षा मई जून में करवाई जाती रही है, लेकिन COVID-19 बाद पिछले 2 साल से यह परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की जा रही है। पिछले साल परीक्षा अक्टूबर में करवाई गई, इस बार भी परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है। उधर 12वीं बोर्ड परीक्षा के तीनों संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। ऐसे में लेवल 1 के शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी शीघ्र ही प्री DLED परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। प्री DLED परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रदेश के 372 DLED कॉलेजों की करीब 25,000 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। PTET परीक्षा के अभ्यर्थी 10 जून तक करवा सकेंगे संशोधन। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में PTET परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म में गलती सुधार के लिए डाटा संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डेटा संशोधन के लिए अभ्यर्थी 10 जून तक आवेदन कर सकेंगे। संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को ₹200 का शुल्क देना होगा। फोटो व हस्ताक्षर सहित नाम में संशोधन नहीं हो सकेगा। 21 मई को हुई थी PTET रिजल्ट अगले सप्ताह तक। नोडल एजेंसी की ओर से 21 मई को PTET की परीक्षा करवाई गई थी। परीक्षा में राज्य भर से करीब 5.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की ओर से PTET परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा। प्री DLED परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। परीक्षा अगस्त में करवाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। रामस्वरूप जांगिड़, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर। दोस्तों, आगे भी BSTC की जो भी अपडेट होगी हम हमारे चैनल राजस्थान गुरुजी पर सबसे पहले लाएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।